हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 14 अप्रैल 2019 की प्रीलिम्स अबरेटर सीरीज में आपका स्वागत है। तो पहले कुछ हमारे जो क्वेश्चन हैं उनको गौर करते हैं, फिर देखते हैं आज की हमारी न्यूज़। पहला जो क्वेश्चन है वो पेरियार रिवर को लेके आया है। पहला स्टेटमेंट ये है कि सबरीमाला टेम्पल है वो इस नदी के किनारे पर स्थित है। सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि पेरियार रिवर है वो एक सदाबहार या बारहमासी एक नदी है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि ये नदी है वो पूरे केरला से फ्लो करती है, मतलब इंटायरली नदी है वो, या आप बोल सकते हो कि पेरियार नदी है वो अकेले केरला से ही एक तरीके से होकर फ्लो करती है, मतलब पूरे केरला में फ्लो करती है, या पूरी पेरियार नदी केरला से फ्लो करती है। हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखो, ये पेरियार रिवर को लेकर तीनों के तीनों स्टेटमेंट है ना वो बिल्कुल सही है। पेरियार नदी के किनारे पे ही सबरीमाला टेम्पल स्थित है और यह है बारहमासी नदी, इसमें एनी टाइम पानी रहता है और इसी के साथ ही यह जो पूरी नदी है पेरियार वो केरला में ही फ्लो करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सोलर ई वेस्ट को लेके है। क्वेश्चन ये है कि सोलर ई वेस्ट है उसमें कौन कौन से कंपाउंड है वो होते हैं। पहला ऑप्शन है यूरेनियम, दूसरा है सल्फर हेक्साफ्लोराइड और तीसरा है कैडमियम, चौथा है यहाँ पे सिलेनियम। सिलेनियम अब आपको बताना है इनमें से कौन सा है। देखो, एक बार आप थोड़ा सोचिए सोलर वेस्ट के बारे में कि भाई सोलर वेस्ट है इसमें क्या क्या हो सकता है। देखो, यूरेनियम की देखा जाए तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि सोलर वेस्ट यानी जो सोलर प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि सोलर पैनल वगैरह हुए, उनमें यूरेनियम होता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो गलत आंसर है वो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो इसका हम देखेंगे तो पहला यूरेनियम है वो गलत है, तो इसके आधार पर हम इसका सही आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कि सेकेंड थर्ड और फोर्थ है वो यहाँ पे सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें सॉल्ट सत्याग्रह यानी कि जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसको लेके स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि यह जो सॉल्ट सत्याग्रह है वो साबरमती आश्रम गुजरात से स्टार्ट हुआ था। सेकेंड स्टेटमेंट ये है, कह रहा है कि इट वॉज टू प्रोटेस्ट द राइट टू मेक सॉल्ट, कि यह नमक को बनाने का जो राइट था इसको प्रोटेस्ट करने के लिए था। एंड इसके साथ ही कह रहा है एक्सपोर्ट इट टू आउटसाइड इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इसके साथ ही सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ था। हमें पूछा है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट। अब एक बार देखो दूसरे स्टेटमेंट को यहाँ से ढंग से देखिए क्या कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि जो साल्ट है या नमक है उसको बेसिकली बनाने के लिए कानून को लेकर प्रोटेस्ट किया गया था और नमक को बाहर एक्सपोर्ट करने की बात की गई। तो आपको पता है कि केवल नमक बनाने की बात की गई थी, ना कि एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट का तो कोई सीन था ही नहीं। इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो सेकंड अगर गलत है तो आप देखोगे कि यहाँ पे बी और डी हैं वो तो अपने आप एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास बचा ऑप्शन थर्ड कि भाई तीसरा सही है या नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो स्टार्ट हुआ। तो इसका मतलब पहला और तीसरा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, कि फर्स्ट एंड थर्ड है वो इसके सही ऑप्शन है। अब देखते हैं आज की हमारी कुछ न्यूज़। पहली जो न्यूज़ है वो आई है ग्लोबल वाटर समिट को लेके। देखो, कंटेक्स्ट ये है कि अभी रिसेंटली ग्लोबल वाटर समिट है वो लंदन में आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस के द्वारा इसको आयोजित है वो किया गया था। और इसमें बात ये की गई है कि ग्लोबल वाटर समिट में हुआ क्या, इंडिया का जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है ना, इसको बेसिकली अवार्ड दिया गया है कि भाई पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर का। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ग्लोबल वाटर समिट लंदन में जो आयोजित हुआ था उसमें नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये फैक्ट है, ये कंटेक्स्ट हो गया है। अब देखो, एक तो ये ध्यान रखना है इसमें हमें कि ग्लोबल वाटर समिट इस बार आयोजित हुआ लंदन में, किसको अवार्ड दिया गया, भारत की जो नेशनल क्लीन गंगा मिशन है इसको, कि क्या कौन सा अवार्ड दिया गया है, पब्लिक वाटर एजेंसी फॉर द ईयर। मतलब क्या है, सीधी सीधी बात करें कि जो ये ग्लोबल वाटर समिट है ना, इसका मोटो ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पानी है, या हम बात करें नदी वगैरह जो भी हो, इसमें किस तरीके की एक्टिविटी अपनाई जा रही है कि भाई वाटर को मैनेज किया जा रहा है या वेस्ट वाटर को सही ढंग से ट्रीट किया जा रहा है, सीवरेज को ट्रीट किया जा रहा है, इन सारे पैरामीटर्स के आधार पर ये अवार्ड है वो दिया जाता है, या ये बोल सकते हैं कि ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस आधार पर क्लीन गंगा को अवार्ड दिया गया है। मतलब भारत में जो मिशन गंगा चलाया गया क्लीन गंगा के लिए वो सही ढंग से काम कर रहा है, इसीलिए इसको ग्लोबल वाटर समिट से नवाजा गया है। तो इसमें ये बेनिफिट है। अब देखो, मेंस के नज़र से देखें तो एक प्लस पॉइंट यहाँ पे कर सकते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट जो सेक्टर है उनको आपस में आने के पे एक हम बात करें कि एक इनोवेशन का मौका मिलेगा कि दोनों आपस में कोलेबरेशन करके वाटर सेक्टर में अच्छा ग्रोथ है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है ई सिगरेट्स को लेके।
देखो ई सिगरेट्स पे दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं। वैसे तो ई सिगरेट इंडिया के काफ़ी स्टेट्स में बैन है, वो कर दी गई है। देखो ई सिगरेट में होता क्या है, पहली चीज़ तो ये है, नॉर्मल सिगरेट में क्या होता है, तंबाकू होता है और फिर उसको जलाने पे धुआं प्रोड्यूस होता है और उसको मतलब स्मोक के फॉर्म में यूज किया जाता है। ई सिगरेट में क्या होता है कि तंबाकू की जगह पे एक लिक्विड होता है और फिर उस लिक्विड को है ना उसी के अंदर क्या होता है गैस वगैरह होती है, तो उसकी वजह से उनको जलाया जाता है और फिर सिगरेट का जैसे धुआं बनता है ना नॉर्मल सिगरेट में, उसी तरीके से इसमें भी धुआं बनता है, कृत्रिम धुआं, और फिर वो ई सिगरेट के फॉर्म में मतलब उसको यूज है वो किया जाता है। तो इसमें लिक्विड होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, जिसको मेनली जिससे फिर एरोसिल या धुआं जनरेट या हम बोलें कि वेपर यानी कि भाप सी जनरेट होती है और फिर उसको लोग धुएं के रूप में यूज है वो करते हैं। अब देखो ये आपको ध्यान में रखना है कि ई सिगरेट में निकोटीन पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यूपीएससी ऐसे पूछ सकती है कि ई सिगरेट में निकोटीन नहीं पाया जाता, या कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट देगी कि ई सिगरेट में निकोटीन ही पाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सभी ई सिगरेट में कोई जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि निकोटीन पाया जाए, कुछ सिगरेट में निकोटीन भी होता है, कुछ में प्रोपेलिन ग्लिसरीन भी होता है, कुछ में ग्लिसरीन भी होता है और कुछ में और भी तरह के जो फ्लेवर्स वगैरह हैं वो यूज़ किए जाते हैं। बट ये आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्मली इसमें निकोटीन होता है लिक्विड फॉर्म में, उसको जब बलाया जाता है और फिर उसके स्मोक के फॉर्म में यूज है वो किया जाता है। तो अभी इसको लेके देखो कुछ गाइडलाइंस वगैरह जारी की गई हैं, क्यों, क्योंकि ये जो नई यूथ जनरेशन युवा जनरेशन है इसको कहीं ना कहीं ये इफेक्ट कर रही है और हमारे देश के ऊपर एक बड़ी समस्या बन सकती है, इसीलिए ई सिगरेट को बैन करने के लिए जो ऑनलाइन इसकी सेलिंग होती है उसको रेगुलेट करने की बात अभी की गई है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वह है बोल्ड कुरुक्षेत्रा 2019। देखो बोल्ड जो कुरुक्षेत्रा 2019 एक्सरसाइज है वो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। इस बार का जो एडिशन है वो झांसी में आयोजित है, वो किया गया है, बस ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल है ना वो गूगल विंग को लेके हैं। देखो गूगल एक कंपनी आपको बताया, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है विंग, गूगल विंग के नाम से। तो जो गूगल विंग है ना इसने अभी पहला ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो कि प्रोडक्ट की डिलीवरी करेगा, जिस तरीके से अमेजोन फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हैं मतलब गाड़ी वगैरह के थ्रू, वहीं अब उन्होंने नई मैकेनिज्म बताई है कि ड्रोन की हेल्प से लोगों को घर में डिलीवरी है वो दी जाएगी प्रोडक्ट्स की। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नहीं, एयर डिलीवरी सिस्टम है वो डेवलप किया गया है विंग के द्वारा, जो कि विंग क्या है गूगल की एक कंपनी, मतलब गूगल की एक कंपनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो वैसे आपको बता दूं एक अल्फाबेट नाम की कंपनी है, ठीक है, अल्फाबेट की सब्सिडरी कंपनी है वह गूगल और फिर गूगल की सब्सिडरी है वह विंग। तो कई बार यूपीएससी पूछ सकते हैं, मैं भी ज़्यादा खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अल्फाबेट के बारे में, तो आपको ध्यान में रखना है कि अल्फाबेट है वो गूगल की पेरेंट कंपनी है और विंग है उसकी पेरेंट कंपनी कौन है, गूगल है। और अभी ये कहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया है जो मतलब प्रोडक्ट डिलीवर के लिए, ये स्टार्ट किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में सफल रूप में प्रोडक्ट है वो डिलीवर किया गया है ड्रोन की हेल्प से, और वहाँ की जो ऑस्ट्रेलिया की सिविल एविएशन सेफ्टी अथॉरिटी है उससे अप्रूवल लेने के बाद ये स्टेप है वो उठाए गए हैं। अब देखो होगा क्या, सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ड्रोन डिलीवरी का वो ये होगा कि कुछ ऐसे रिमोट एरियाज जहाँ पे मतलब नॉर्मली रूटीन पॉसिबल नहीं है, उन एरियाज में इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो या फिर कोई ड्रिंक्स हो, कोई खाना हो, वो डिलीवर किया जा सकता है, तो काफ़ी इसका बेनिफिट है वो हो सकता है, तो उसी को लेके आर्टिकल आया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है होमो लुंजोनेसिस को लेके। क्या है होमो लुंजोनेसिस? देखो ये एक मानव की नई प्रजाति है, ये आपको ध्यान में रखना है, जो अभी डिस्कवर की गई है, जिसकी हाइट है वो लगभग 3 से 4 फीट है। कहाँ से डिस्कवर की गई है? ये डिस्कवर की गई फिलीपीन, जो फिलीपाइन है या फिलीपींस है, इसका सबसे बड़ा जो आइलैंड द्वीप है उसका नाम है लुजोन, इसी के नाम पे इस प्रजाति का नाम रखा गया है होमो लुंजोनेसिस। तो लुजोन जो आइलैंड है ना, ये बड़ा वाला जो आइलैंड आपको दिख रहा है, ये रहा फिलीपींस के अंदर आता है, खैरी फिलीपींस के भाग है, इसके अंतर्गत इस प्रजाति को डिस्कवर किया गया है। और ये ऐसा माना जा रहा है कि ये जो प्रजाति है लगभग 50 से 67 हज़ार साल मतलब हो रही 50 से 67 हज़ार साल पहले से इस लुजोन द्वीप में रह रही है, ये इसके बारे में कुछ फैक्ट है। तो यूपीएससी बेसिकली ये पूछ सकते हैं कि भी नहीं मानव की नई प्रजाति कहाँ पे खोजी गई है वगैरह वगैरह, क्या नाम है, तो ध्यान में रखना है फिलिपाइन का जो लुजोन द्वीप है वहाँ पे नई प्रजाति को डिस्कवर है वो किया गया है। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही। अब एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले आज हमने ग्लोबल वाटर समिट के बारे में डिस्कस किया, इसके साथ ही हमने ई सिगरेट के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इसके बारे में डिस्कस किया, इसी के साथ ही हमने गूगल का जो नया प्रोजेक्ट है, गूगल का नया जो सर्विस है मतलब गूगल विंग के द्वारा, कि भाई जो ड्रोन के द्वारा प्रोडक्ट की डिलीवरी दी जाएगी उसके बारे में हमने देखा, इसी के साथ ही हमने देखा कि मानव की नई प्रजाति है वो डिस्कवर की गई है फिलीपीन के लुजोन द्वीप में।
तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही, तो थैंक यू एमएस फॉर डिस्कशन।